नमस्ते छात्रों, वेलकम टू क्लासिक डिजिटल एजुकेशन। मैं हूं आपकी शिल्पा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रथम पीयूसी के साहित्य वैभव में से इस पाठ्यक्रम के पहला लेसन, बड़े घर की बेटी। आज फर्स्ट लेसन सीखने जा रहे हैं। लेसन शुरू करने से पहले दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर लाइक कमेंट्स करते रहिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, इसके बाद नए नए अपडेट्स भी आपको मिलेगी। कमेंट्स कीजिए ताकि नए वीडियोस में आपके जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आंसर्स वीडियोस बनाने में आसानी होगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ्यक्रम में किस तरह गद्य पद्य एवं अपठित गद्य भाग दिए गए हैं चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम में। उसके बाद सबसे पहला लेसन है कि बड़े घर की बेटी प्रेमचंद जी से लिखित कहानी है, पाठ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अनुक्रमणिका में प्रथम सोपान के रूप में गद्य भाग दिए हैं, उसमें बड़े घर की बेटी पहला लेसन है और आज हम बड़े घर की बेटी सीखने जा रहे हैं और लेखक का नाम है प्रेमचंद जी। सबसे पहले हम लेखक परिचय कराएंगे। लेखक परिचय के बाद हम पाठ का जो सविस्तार रूप से सारांश बताएंगे, शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ और उसके साथ साथ प्रश्नोत्तर भी करेंगे। चलो शुरू करते हैं बड़े घर की बेटी प्रेमचंद जो लेखक है उनका परिचय करेंगे। पाठ का नाम है बड़े घर की बेटी, लेखक प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद भी कहते हैं। प्रेमचंद नाम दूसरा नाम है, पहले उन्हें नवाब राय नाम से बुलाया जाता था। अब हम लेखक परिचय करेंगे। चित्र ध्यान से देखिए बच्चों, ये है लेखक प्रेमचंद। उन्हें उपन्यास सम्राट ये उपाधि दिए गए हैं। उपन्यास यानी नॉवेल, जो उपन्यास लिखते हैं उपन्यासकार कहते हैं, लेकिन इनको उपन्यास सम्राट, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, और इनको उपन्यास सम्राट नाम से भी बुलाया जाता है। और कहानीकार हैं, जो कहानी लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कहानीकार कहते हैं। कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद। इनका जन्म काशी के निकट लमही नामक गांव में सन 1880 में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता आनंदी देवी थी। इनका जो जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है और इनके सभी उपन्यासों में, लेखन में, साहित्य के सभी विधाओं में जो नाटक है, निबंध है, उन सभी में से हम इनके जीवन के जो संघर्षपूर्ण जीवन है वो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से किस तरह एक मध्यम वर्ग के परिवार में होता है, उन सभी विचारों को अपनी कहानी लेखन साहित्य में उन्होंने बताया है। और इनका जो जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है इसलिए इनके जो सभी साहित्य के विधाओं में हम देख सकते हैं। चलो देखेंगे इनके जो उपन्यास किन किन नामों से हम जानते हैं। गोदान है, गबन है, कर्मभूमि है, सेवा सदन है, रंगभूमि तथा निर्मला आदि इनके जो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और प्रेमचंद जी केवल पीयू में, पीयू पाठ्यक्रम में या पीयू सिलेबस में इनका नाम नहीं है। हिंदी साहित्य जब तक आप लिटरेचर पढ़ेंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल का भी हो सकता है, प्राइमरी लेवल से लेकर CBSE, ICSE, सभी जो सिलेबस के प्रकार हैं उन सभी में से प्रेमचंद जी का जो एक ना एक कहानी या उपन्यास या नाटक या निबंध, कोई भी विधा एक ना एक रहेगा ही रहेगा। और
ये एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। समझ में आया? यस। इनका जो इनके अनेक जो अन्य कहानियों के बारे में बताते हैं, 300 से भी ज्यादा उन्होंने कहानियां लिखी हैं, और इन सबको मानस सरोवर के 8 भागों में, मानस सरोवर यानी कहानी संग्रह है, और इसमें 8 भागों में अलग अलग करके विभाजित करके संकलित किए गए हैं। और इनकी रचनाओं में मानव जीवन एवं भारत के जो गांवों की दशा, किस तरह स्वतंत्रता पूर्व भारत के जो आर्थिक परिस्थिति और एवं सामाजिक परिस्थिति किस तरह थे, और गांवों की जो दशा थी और उसका मार्मिक चित्रण उन्होंने अपने जो लेखन में दिया गया है, बताया है। कंटिन्यू करते हुए और इनकी जो मृत्यु कब हुई बताएंगे। चलो बच्चों, इनकी जो मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को इनका जो स्वर्गवास हुआ है बताते हैं, और सेकेंड पीयूसी में भी इनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, इतना काफ़ी है। और प्रस्तुत कहानी जो बड़े घर की बेटी है, किस लिए आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, किस कारण से आपको ये जो कहानी रखी गई है, और इस कहानी को अडॉप्ट करने के पीछे क्या कारण था, इसे अब हम समझेंगे। प्रस्तुत जो कहानी है बड़े घर की बेटी, यह कहानी प्रेमचंद जी के जो श्रेष्ठ कहानियों में से एक है, ठीक है। और इस कहानी के जो नायिका है आनंदी और नायक है श्रीखंड, किस तरह दोनों अच्छे तरह से परिवार को चलाते हैं, एवं एक बड़े घर की बेटी संपन्न घर की जो सुविधाओं का जो अभ्यस्त हुई लड़की किस तरह अपने आप को ससुराल में संभालती है, इसके जो घर के अनुकूल बना लेती है, यह इस कहानी में बताया है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं प्रस्तुत कहानी बड़े घर की बेटी, प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। सामाजिक जीवन के सूक्ष्म चित्रकार मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी में मध्यम वर्ग के गृहस्थ जीवन की एक ऐसी घटना को चित्रित किया है जो हमारे घरों में आए दिन घटते रहते हैं। मध्यम वर्ग के परिवार में किस तरह हरेक छोटे छोटे जो झगड़ा और उसके बाद फिर प्रेम से व्यवहार करना, किस तरह व्यवहार होता है, गृहस्थ जीवन किस तरह होता है, उसका जो सजीव चित्रण बड़े घर की बेटी पाठ में बताया है। और ये जो हरेक के घर में, हमारे घरों में यानी हरेक के घर में आए दिन घटती रहती है, इसी घटना को आधारित करते हुए, इसी घटना को जिस तरह मध्यम वर्ग के गृहस्थ जीवन की घटना घटती है, इसी तरह की एक घटना को इस पाठ में चित्रित किया गया है। आनंदी बड़े घर की बेटी है। आनंदी यानी इस जो कहानी की जो नायिका है आनंदी है, आनंदी बड़े घर की बेटी है और उच्च कुल में इसका जो जन्म हुआ है। संपन्न घर की सुविधाओं में अभ्यस्त हुई लड़की अपने आप को ससुराल में किस तरह, जो एक श्रीखंड रूढ़िग्रस्त परिवारों में से एक है, क्योंकि इसका कुछ डिसिप्लिन है, मध्यम वर्ग के जो संस्कार भरित लड़का है श्रीखंड, और हमेशा इनके घर में, श्रीखंड के घर में हमेशा किसी न किसी कारण अभाव ही अभाव हम देख सकते हैं। और इस तरह के जो घर में भी संपन्न घर से आई हुई लड़की आनंदी श्रीखंड के साथ किस तरह ससुराल में पति के साथ अभावों से पूर्ण हुए घर में अपने आप को किस तरह अनुकूल बना लेती है, इस कहानी में बताया है, ठीक है। अब हम देखेंगे, कहानी पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट इसके जो विशेषता क्या है और कहानी को रखने का उद्देश्य क्या है, अब हम देखेंगे।
देखिए, एक दिन कहानी का जो छोटा सा सारांश इस इन पंक्तियों में बताया है, एक दिन श्रीखंड के छोटे भाई यानी लाल बिहारी सिम्हा, किसका छोटा भाई था? लाल बिहारी सिम्हा श्रीखंड के छोटे भाई था। और इसके जो अभद्र व्यवहार, अभद्र यानी असभ्य तरीके से जो व्यवहार किया, किसके साथ? भाभी के साथ। भाभी कौन है? आनंदी। आनंदी के साथ किस तरह उन्होंने व्यवहार किया उसके बारे में बताया गया है। उसके कारण, जो उसके व्यवहार के कारण आनंदी को गुस्सा आया, और गुस्सा होने के बाद जब वो श्रीकंठ शहर से लौट के घर में हर एक हफ्ते में एक दो बार गुरुवार को आता था, तब उसने शुक्रवार को बताया। और इस किस तरह झगड़ा इनके घर में हुआ, कारण क्या था, ये सब अपने पति से बताती है। तब श्रीकंठ क्या करता है, झगड़ा यहाँ तक बढ़ गया कि दोनों भाइयों के जो अटूट प्रेम था उसकी कड़ियाँ शिथिल हो गईं, और लाल बिहारी घर छोड़कर जाने लगा। लेकिन तब भी ससुर जी जो थे वे क्या किए? उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जो छोटे बेटे का जो साथ दिया, और इसी कारण से लाल बिहारी, जब श्रीकंठ गुस्सा होता है तब पिता भी दंग रह जाते हैं, तब लाल बिहारी सिम्हा घर छोड़कर जाने लगता है। घर को बिखरता देखकर आनंदी क्या करते हैं, उनकी जो सात्विक वृत्तियां हैं वो सब जाग उठी। उसने लाल बिहारी को रोक लिया, क्योंकि आनंदी एक बड़े घर की बेटी होने के बावजूद भी वो कैसी थी? सरल थी, सगुण संपन्न थी, और इनकी जो सात्विक वृत्तियों के कारण उन्होंने बिखरते हुए घर को संभाल लिया। उसने लाल बिहारी को रोक लिया और बिगड़ता हुआ काम बना लिया। इसलिए कहते हैं, उच्च कुल की आदर्श महिलाएं कष्ट सहकर अपमानित होकर भी मर्यादा नष्ट नहीं होने देती। यही इस कहानी का जो संदेश है, सारांश है। पारिवारिक सदस्यों के आपसी संबंधों के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से प्रस्तुत पाठ को चयन किया गया है। चयन यानी सिलेक्शन किया गया है, क्योंकि पारिवारिक सदस्यों के आपसी संबंध किस तरह होना चाहिए और आपसी संबंधों का महत्व आपको बताना था, इसीलिए इस तरह के जो कहानियों में से सबसे श्रेष्ठ कहानी बड़े घर की बेटी और प्रेमचंद जी से लिखित कहानी है। आपको जो सेमेस्टर एग्जाम में और क्वार्टरली टेस्ट में और जो भी आने वाले टेस्ट में पूछते हैं कि ससंदर्भ विवरण कीजिए, तब आप विशेषता के रूप में इस कहानी का जो संदेश है, सारांश का हेडलाइन है, उसे आप लिख सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों के आपसी संबंधों के महत्व को यहाँ उजागर किया गया है, इस तरह आप लिख सकते हैं विशेषता के रूप में। ससंदर्भ विवरण कीजिए, उसमें आपको किस तरह लिखना चाहिए? सबसे पहले पाठ का नाम, पाठ को किसने लिखी है, और कहानी या कहानी सॉरी कहानीकार या लेखक का नाम। उसके बाद आपको किसने किससे कहा, द डायलॉग्स है तो अगर किसने किससे कहा। उसके बाद आपको जो ससंदर्भ, किस संदर्भ में इस तरह के जो वाक्य की चर्चा की गई है इसको आपको लिखना है, और उसमें तीन चार पंक्तियाँ लिखना चाहिए, कम से कम 5 या 6 तक लिखना चाहिए अच्छे से। और उसके बाद आपको विशेषता, कहानी का उद्देश्य विशेषता हो जाएगा, इसलिए विशेषता को भी लिखना चाहिए। ठीक है, आज के इस वीडियो में यही समाप्त करेंगे। अगले भाग में हम पाठ के जो जो शब्दार्थ है, पाठ है, उस सभी सविस्तार रूप से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको इस तरह के जो इस जो स्क्रीन में आपको बताया गया है, दिखाया है, उन सब के बारे में एक बार पढ़ना है, किताब खोल के पढ़िए, और इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर लाइक कमेंट्स करते रहिए, ताकि नए वीडियोस बनाने में स्फूर्ति मिलती है। और चले चलो हम एंड अप करते हैं इस वीडियो के साथ साथ। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट।